सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। एलन मस्क का नाम सुना है आपने? यस, एलन मस्क। क्या क्या है उनका स्पेशलाइजेशन, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं? कंप्यूटर का क्या कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन में? कमिंग, बैठिए। और ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है जी। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक एक सिद्धांत है जो प्लेट टेक्टोनिक एक सिद्धांत है जो विश्व के जो 6 मेजर प्लेट हैं और जो माइनर प्लेट है उसके उसके गति के बारे में उसको बताता है। पृथ्वी को, अर्थ को, पहले ये बताइए कि ज्योग्राफी में आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है? फिजिकल में सर। फिजिकल ज्योग्राफी में भी कौन सा है? फिजिकल में सर ओशनोग्राफी आपको सबसे अधिक पसंद है जी। ठीक है ना जी। चलते हैं उसी से बात करते हैं, ओशनोग्राफी से ही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। करेंट्स, सामुद्रिक जलधारा। करेंट्स जो है, यदि हम हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ आते हैं, क्या होता है उसका मोमेंट, क्या होता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न स्फीयर में और साउदर्न में, दोनों में बताइए मुझे। सर हाई से लो में आते हैं सर, वहाँ पे ठंड जलधारा रहती है। हाँ ये तो सही आपने बताया, लेकिन उसका गति बताइए। सॉरी सर। अच्छा, उसमें दिक्कत है। डीपली सर नहीं देखते। ओशनिक रिज होता है सर। आपको देखा होगा जैसे पहाड़ है ना हिमालय, उसी तरह समुद्र के अंदर भी पहाड़ है सर। ये जानकारी है कि नहीं है? ये सर है, ये जानकारी है। तो सबसे अधिक जो लंबा वाला है वो कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। उसका शेप जो बनता है वो किस टाइप का है? उसका शेप के बारे में। अच्छा, कोई नहीं। कंप्यूटर एंड इंग्लिश एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर का क्या कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर कंप्यूटर से आजकल सारा जो भी वर्क हो रहा है वो डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, तो हर ऑफिस में हर जगह सर कंप्यूटर का ही यूज है और उसके हेल्प से ही मतलब उसका एनालिसिस या फिर मॉनिटरिंग सही से हो पाती है, तो हर फील्ड में कंप्यूटर का सही यूज है। आप पूछें। अच्छा, ये ज्योग्राफी में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा होगा, आपदा प्रबंधन। यस सर। अभी इस मौसम में कौन सी आपदा आने की संभावना है? सर आने की संभावना लू आपदा है। मतलब एक आपदा क्या होता है सर? आपदा होता है जो नॉर्मली जो रहने का तौर तरीका रहने का जो होता है उससे कुछ एक्सीडेंटल कुछ ऐसा ज़्यादा जैसे एक्सट्रीम कुछ है। एक्सट्रीम कुछ जैसे अभी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो सरकार कह रही है दिन में मत निकलिए, तो आपदा ही है। आपदा सरकार मान रही है तभी तो उसके लिए गाइडलाइन जारी हो रही है। धूप के समय में किस तरह की गाइडलाइन जारी होती है सरकार की तरफ से? अभी सर धूप में नहीं निकलने के लिए, धूप में निकलने से पहले कुछ मतलब पानी वगैरह पी लेने के लिए, और फिर खाने के लिए भूखे पेट नहीं निकलने के लिए, और ये सब तरह का सर। आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है बिहार सरकार में? सॉरी सर वो सेक्शन में। कोई बात नहीं। अभी आप क्या काम कर रही हैं? आप वर्किंग है ना? यस सर, रूरल हाउसिंग सुपरवाइजर है प्रधानमंत्री आवास योजना सर। वहाँ पे सुपरविजन करना होता है, फील्ड में ग्रामीण आवास सहायक होते हैं और ऑफिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट होते हैं, तो जो भी गाइडलाइंस आते हैं जैसे सर्कुलर्स वगैरह तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आदेश दिया जाता है, तो उसी का काम करवाना होता है, उसका सुपरविजन करना होता है और रिपोर्टिंग करना होता है। और कुछ करंट अफेयर वगैरह आपने देखा है? जैसे हाल में अभी एक न्यूज़ आया था कि एलन मस्क का नाम सुना है आपने? जैसे एलन मस्क, क्या क्या है उनका स्पेशलाइजेशन, किस क्षेत्र में वो काम करते हैं? एलन मस्क का सर उनका कोई स्पेसिफिक नहीं है,
उनका तो बहुत सारे फील्ड में है, जैसे कि अभी सर रिसेंट में वो ट्विटर को लिए हैं, उससे पहले वो एक चीप का एक काम किए थे जो बंदर पे एक्सपेरिमेंट किए थे 25 बंदर पे, ताकि किसी के माइंड में चीप लगाकर और उसके अपने अकॉर्डिंग उसको काम करवाना, तो वो सब टाइप से। फिर उनका नासा में भी, सॉरी सर उसका उनका सर प्राइवेट एक अंतरिक्ष ही है, भी है सॉरी सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, स्पेसएक्स, ये सर स्पेसएक्स सर। ठीक है, आपको तो पता ही है बात कुछ, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि नहीं पता है? स्पेसएक्स वगैरह जब आप बता ही रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक छूट गया, मेन एरिया ही इनका यही दो है कि स्पेसएक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन लोगों ने काम किया, ट्विटर को खरीद लिया है। अब बताइए, ट्विटर को खरीद लेने से क्या आपको बदलाव दिख रहा है, ट्विटर में क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं? सर ट्विटर में सबसे पहले तो वहाँ पे जितने फेक अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। एलन मस्क के आने से क्या हो सकता है? मतलब मस्क ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट पहले दिया था ट्विटर के बारे में कि ट्विटर में ये खामियां हैं, क्योंकि मैं खामियां के बारे में सर नहीं सुने, बट एक उनका स्टेटमेंट आया है कि ट्विटर एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए लोगों का अपना बात रखने का मतलब ये मिलेगा, जिससे कुछ इनोवेटिव करने का भी आइडिया मिल सकता है, जैसे कि सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ अगर कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को यूज़ करके जैसे उन हर फील्ड में अपना इनोवेशन दिखाते हैं, तो वैसे ही ट्विटर के माध्यम से व्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको अभी नहीं पता है इसके बारे में। यस सर, सॉरी सर। अच्छा, आपने कंप्यूटर्स पढ़े हैं? यस सर। यस सर, आप मुझे बताइए प्रिंटर, प्लॉटर और माउस क्या डिफरेंस है, या फिर आप मुझे बेसिक बताइए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या अंतर है? इनपुट डिवाइसेस का मैम हो गया कि जिसके माध्यम से हम लोग कोई इनपुट डालते हैं, सॉरी जैसे माउस हो गया वो एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट का मतलब जिससे हम लोग प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, उसके बाद जो मॉनिटर हो गया वो भी आउटपुट हो गया। ये सब तीन टर्म है, लैंड, मैन एंड वैन। यस मैम, ये क्या है? सर मैम ये एक नेटवर्क को जोड़ने का एक कंप्यूटर नेटवर्क की जैसे है, जैसे कि लैन है तो लैन एक छोटे एरिया में होता है, जैसे कि किसी एक के बिल्डिंग के अंदर करना हो तो। फॉर्म क्या हो गया उसका? सॉरी मैम रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत दिन हो गया। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन से होते हैं? बेसिक्स हो गए मैम, जैसे कि पास्कल हो गए, फोर्ट्रेन हो गए, सी हो गए, सी प्लस प्लस हो गए, ये सब बेसिक्स हैं। अच्छा, आपने अपनी हॉबी में लिखा है रीडिंग बुक्स? यस मैम, एक्चुअली रीडिंग बुक्स है, बट अभी चूँकि टाइम नहीं मिल पाता इसलिए बुक का जो समरी होता है ना वो सुनते हैं, क्योंकि उसमें कम टाइम में उसकी बुक को अच्छे से सुनते हैं। अगर हम कह रहे हैं रीडिंग बुक्स, यस मैम, तो आप कितने तरह के बुक्स के बारे में, मतलब आप मुझे बता सकते हैं, कैटेगराइजेशन दे सकते हैं? यस मैम, एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग टाइप का होता है उस टाइप का बुक पर मतलब सुनना या नहीं, बुक्स बेसिकली कितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस? फिक्शन एंड नॉन फिक्शन होता है, तो फिक्शन नॉन फिक्शन टाइप में भी उतना नहीं पढ़ पाते। जॉब प्रेफरेंस आपका पहला क्या है चॉइस? पहला मैम CTO है, कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। यस मैम। क्यों CTO? क्यों? क्योंकि मैम SDM इसमें पोस्ट नहीं है और DSP के लिए मैं एलिजिबल नहीं है, तो CTO उसके बाद मेरे अच्छा लगा। क्या लगता है आपको, ये जब हम लोग टैक्स इवेजन के बारे में बात करते हैं, तो जब आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन जाती हैं तो आपका क्या रोल रहेगा वहाँ पे? जो भी कर से संबंधित है, जैसे बिजनेस में बहुत सारे कर हैं जो सही, मतलब उसको जितना मैक्सिमम कर का ये हो सके, मतलब वसूली हो सके वो करेंगे, और जहाँ पे GST वगैरह जो भी बिजनेस वाले GST वगैरह नहीं लग GST नंबर नहीं लेते हैं उसका अच्छे से छानबीन करके, वहाँ पे जो भी असुविधा होती है, बहुत सारे होते हैं कि GST लेने में भी सुविधा होती है, असुविधा हो रही है, तो वो सब में अपना योगदान देने का कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कर का वसूली हो सके। कब लागू हुआ था? 2017। इंटरव्यू ओवर करते हैं आपका सिद्धि, आज का फीडबैक में यही है कि बाकी सब ओवरऑल ठीक है, आपका साउंड बिल्कुल डाउन था, कॉन्फिडेंस जो है दिख नहीं रहा है, या तो फिर आपका बाहर का सिचुएशन ऐसा है कि आपको इंटरव्यू के आज कुछ मन नहीं लग रहा है, आपका जो देखा मैंने अनमने ढंग से आप दे रही हैं। यस सर, ये ठीक है ना, कहीं आपको का जो सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थितियाँ बनी हैं, बाहर का कुछ प्रेशर है, या घर का हो, ऑफिस का हो, जहाँ का हो, लेकिन जो मूड से आपने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मैंने ही लिया था, वो मूड आज मुझे दिख नहीं रहा था, और
वॉइस इतना कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे तक नहीं पहुंच रहा था। लैंड वगैरह, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब आपको बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल पता होना चाहिए।